इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि मंत्री सारंग इस हादसे में बाल बाल बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल देर रात अपने परिवार के साथ वो टीकमगढ़ से वापस लौट रहे थे, विकास यात्रा में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ पहुंचे थे। जब परिवार के साथ वापस लौट रहे थे तो इसी दौरान उनकी कार डिवाइडर से जा टकराई, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। राहत की बात यह है कि हादसे में मंत्री सारंग सुरक्षित हैं, बाल बाल बचे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, परिवार के साथ टीकमगढ़ से वापस लौट रहे थे मंत्री सारंग, विकास यात्रा में शामिल हुए थे। जब वापस लौट रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। देखिए हादसे से जुड़ी तस्वीरें भी सामने आई है। राहत की बात यह है कि मंत्री सारंग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन अभी उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल सकी है। लेकिन तस्वीरें देखिए, हादसे से जुड़ी हुई, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विकास यात्रा में शामिल होने के लिए टीकमगढ़ पहुंचे थे मंत्री विश्वास सारंग परिवार समेत। जब देर रात वापस लौट रहे थे तो इसी दौरान ये कार डिवाइडर से जा टकराई। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ जानकारी, मंत्री उनका परिवार सुरक्षित है? देखिए, देर रात का हादसा है, खासतौर से विकास यात्रा में अलग अलग जगह से लौटते हुए मंत्री विश्वास सारंग खासतौर से बमोरी के पास ये हादसा हुआ, जहां पर गाड़ी डिवाइडर से टकराई। हालांकि गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि मंत्री विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री वो स्वस्थ हैं, उनको कोई ऐसी चोट नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही कि वाहन का जो एक्सल है, चार पहिया वाहन का, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो डर का जरूर है। लेकिन ये जरूर है कि मंत्री विश्वास सारंग सुरक्षित हैं। हालांकि गाड़ी की स्थिति बहुत बुरी है, दृश्य देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था, लेकिन कोई भी ऐसी जनहानि नहीं हुई, कोई चोटिल नहीं हुआ, एक अच्छी बात है। और कौन सूरज उनके साथ इस वाहन में सवार था, उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी बताया जा रहा है वो मौजूद थे? देखिए, इस दौरान उनके परिवार के लोग भी शामिल थे, उनकी पत्नी और बेटे भी उनके साथ शामिल थे। खासतौर से टीकमगढ़ जो प्रभार का जिला है, वहां से वो विकास यात्रा के साथ लौट रहे थे। साथ ही जो एक सामूहिक कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे थे परिवार के साथ। लौटते समय यह हादसा हुआ है, लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि परिवार को कोई चोट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जय, शुक्रिया आपका सूरज फिलहाल जानकारी के लिए। लेकिन ये देखिए, हादसे से जुड़ी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। गाड़ी का आप अगला हिस्सा देख सकते हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार समेत वो वापस लौट रहे थे मंत्री विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, जो कि अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ इस वाहन में सवार थे। देर रात जब टीकमगढ़ से लौट रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। राहत की बात यह है कि मंत्री सारंग और उनका पूरा परिवार सुरक्षित है।